आप बोल रहे हैं कि जो है मुहिम चल रहा है, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोगों के बीच में जा करके लोगों की समस्याओं को, उनके बारे में जो भी राय है वो आप सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। पहली बात तो रोजगार के लिए देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ डालनी चाहिए जिनसे लोगों को रोजगार मिले। जो पलायन कर रहे थे लोग हमारे एरिया से, वो उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो वो पलायन नहीं करेंगे, सूरत मुंबई नहीं जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पे शिक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पे अस्पताल होने चाहिए, जो वेंडर्स उन पे काम करेंगे उनको भी उनको रोजगार मिलेगा। जो यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारे यहाँ आया हुआ है तो उनमें कहीं ना कहीं हद तक रोजगार मिला हुआ है। इस तरह की कई सारी नीतियाँ हमारे क्षेत्र में पर्यटक को देखते हुए यहाँ पे होना चाहिए सरकार के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति और हम बात करते हैं जन सरोकार, बात करते हैं समाज की विकास की। आज हमारे मंच में हमारे साथ हैं व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष सनी नटराज। बात करते हैं कि व्यापारी इस समय कौन कौन समस्याओं से अभी तक जूझ रहे हैं। पहले तो आपका आईका मंच बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी। इस समय हमारा आईका मंच का एक मुहिम चल रहा है लगातार, क्या लगता है कि मुहिम हमारा खराब हो गया? देखिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि जो है मुहिम चल रहा है, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोगों के बीच में जा करके लोगों की समस्याओं को, उनके बारे में जो भी राय है वो आप सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। पिछले कोरोना काल लॉकडाउन में व्यापार कहां तक चल रहा था, कितना समस्या था? देखिए, मैं एक व्यापारी हूं तो मैं व्यापार की दृष्टि से यही से बोलना चाहूंगा कि विगत दो साल जो कोविड में गुजरे हुए हैं उससे व्यापारी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो मार झेल रहा है। पहली बात महंगाई की मार झेल रहा है, दूसरी बात उसको समय से जो है उसका माल नहीं मिल पा रहा है, दूसरी बात कोरोना काल में जो उसको जो माइनस हुआ पैसा रुपये तो टूट चुका है। तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि व्यापारी तो संतुष्ट नहीं है इस कोविड काल से। ये तो सबके हिस्से में आया हुआ है, कोई व्यापारी के हिस्से में नहीं आया। कुछ व्यापारी परेशान है जीएसटी को लेकर के, जीएसटी में काफ़ी पड़ रही है, तो क्या लगता है? देखिए, जीएसटी के दायरे में मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यापारी को, हर व्यापारी वर्ग का इंसान आना चाहिए, हर व्यापारी आना चाहिए, चाहे वो सब्जी वाला हो चाहे वो कोई भी हो, जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जीएसटी से ही सरकार जो है आगे कुछ विकास के कदम बढ़ा सकती है। क्या लगता है कि जीएसटी से जो व्यापारी कह रहे हैं बहुत परेशान है, लगातार बढ़ रही है, कभी कट रही है, क्या लगता है आपको ऐसा कुछ में? अभी देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी बजट पेश हुआ है कल, निर्मला जी ने जो है जो बजट पेश किया है उसमें जो इनकम टैक्स का जो परसेंटेज था उन्होंने बढ़ाया नहीं। जब उनसे पूछा गया कि इसमें कोई राहत आप देने की बात कर रहे कह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना ही बहुत है कि मैंने बढ़ाया नहीं व्यापारियों को देखते हुए। तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है। और दो साल कोविड में जो नुकसान हुआ है, जो लोगों को राहत सामग्री दी गई है, जो विकास के काम हुए हैं, थोड़ा बहुत जो लोगों तक उनकी समस्याएं सुनी गई हैं, उसमें काम चल रहा है सरकार का। और मैं सरकार से सिर्फ यही कहूँगा कि जो है व्यापारियों के हित के लिए भी कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई कार्य करे। आप व्यापारी युवा नेता और इस समय जो वर्तमान राजनीति चल रही है, क्या लगता है कि इस राजनीति से संतुष्ट हैं? देखिए, इसको मैं अगर पिछली सरकारों से अगर तुलना करूं एक, तो मुझे अभी तक सबसे बड़ी बात ये लगी है कि जो बहु बेटियां हमारी सलामत नहीं थी दूसरी सरकारों में, जो उनको नोचा जाता था, लोग गिद्ध की तरह अपनी नजरें हटाए बैठे हुए थे, अगर यहाँ से निकल रही है तो लोग उनका बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। आज इस सरकार में हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी बहन बेटियां जो है सुरक्षित हैं। जो पहले सरकारों में होता था कि जो गरीब आदमी होता था, जो गरीब व्यापारी होता था, उसका शोषण किया जाता था, उसकी जमीनें लूटी जाती थी, उसकी जमीनों पर अधिकार कर लिया जाता था माफियाओं के द्वारा, गुंडई के द्वारा, आज इस सरकार में जो है उन माफियाओं का खात्मा हुआ, उस गुंडागर्दी का खात्मा हुआ। आप एक युवा है और यहाँ चित्रकूट में रोजगार को लेकर भारी समस्याओं का आलम है, हालांकि चित्रकूट जिला
आपका बुंदेलखंड का सबसे अच्छा इलाका है और ये नीति आयोग भी मान चुकी है कि बहुत अच्छा है। क्या लगता है सरकारें यहाँ तमाम आई तमाम गई, क्या लगता है आपको कि यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए सरकार को क्या करना है? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट हमारा बुंदेलखंड का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का पिछड़ा क्षेत्र है, सबसे अंतिम जिला है और चित्रकूट में विकास होना चाहिए था दूसरे जिलों की अपेक्षा, क्योंकि ये एक पर्यटक क्षेत्र है। भगवान कामतानाथ जी यहाँ विराजमान है, पर्यटक के हिसाब से जितना विकास होना चाहिए ना कि पिछली सरकारों ने किया और ना अब की सरकार ने किया। क्या लगता है कि यहाँ रोजगार के लिए कौन से साधन होना चाहिए जिससे रोजगार मिल सके बेरोजगारी को? पहली बात तो रोजगार के लिए देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ डालनी चाहिए जिनसे लोगों को रोजगार मिले। जो पलायन कर रहे थे लोग हमारे एरिया से, वो उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो वो पलायन नहीं करेंगे, सूरत बम्बई नहीं जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे शिक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पे अस्पताल होने चाहिए, जो वेंडर्स उनपे काम करेंगे उनको भी उनको रोजगार मिलेगा। जो यहाँ पे जैसे आप बोल रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस में हमारे यहाँ आया हुआ है तो उनमें कहीं ना कहीं हद तक रोजगार मिला हुआ है। इस तरह की कई सारी नीतियाँ हमारे क्षेत्र में पर्यटक को देखते हुए यहाँ पे होना चाहिए सरकार के द्वारा। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, शिक्षा और स्वास्थ्य कोई भी सरकार आने से पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य ही राजनीति है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में देखा जाए तो कोई विशेष फर्क नहीं आया। देखिए पहले की जो सरकारें थी उन्होंने भी हमारे क्षेत्र में ना शिक्षा के लिए काम किया है ना ही स्वास्थ्य के लिए कोई काम किया। मैं आपको बता दूं कि आप भी देख ही रहे होंगे कि पहले की सरकारों में क्या था कि ना कोई हॉस्पिटल था ना कोई कुछ था। एक आदमी को अगर ट्रीटमेंट करवाना होता था तो पहले भी वो इलाहाबाद कानपुर भागता था, आज भी ट्रीटमेंट करवाना होता है तो वो इलाहाबाद कानपुर का ही सहारा लेता है। तो यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को जो है हाई लेवल तक ले जाने की काम सरकार करती है। आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य में अभी क्या यहाँ पर चीजें हो जिससे बदलाव आए? देखिए मैं सही मायने में बोलूं तो अगर आपको सिटी स्कैन भी कराना है स्वास्थ्य के लिए, मान लीजिए आपका सिटी स्कैन कराना है तो आपको हमारे जो एरिया है उसमें आपको उपलब्ध नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए इन सारी मशीनरी जो टेक्नोलॉजी जो आज की डेट पे दूसरे बड़े जिलों में जो चल रही है, जो लोग भाग रहे हैं, वो सारी टेक्निकल मशीनरी जो है हमारे यहाँ उपलब्ध हो सरकार वो हमारे यहाँ कराए। यहाँ देखिए चित्रकूट जिला देखते हैं जैसे शिक्षा की बात की, शिक्षा ने तमाम बताया, लेकिन अभी आपने ऐसे जानना चाहते हैं कि जो यहाँ गरीब व्यक्ति जो गरीब किसान उनकी बच्चे पढ़ना चाहते हैं और वो पढ़ने के लिए काफ़ी परेशान है लेकिन पैसा आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण बाहर नहीं जा पाते और वो बेचारे यही इंटर के बाद वो उनकी शिक्षा समाप्त होती है। आपको क्या लगता है कि सरकारें कोई भी हो यहाँ शिक्षा के दृष्टि अभी और क्या काम करें कि सबको शिक्षा समान मिल सके? देखिए मैं आपको बता दूं कि किसान का बच्चा जो है चाहता है, चाहे किसान का बच्चा हो चाहे बड़े घर का बच्चा हो या मिडिल क्लास का बच्चा हो, हर माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, आईटी कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, जिससे जो है यहाँ शिक्षा जो है हाई लेवल तक पहुँच पाए। जो यहाँ पे आप जैसे कि आप देखे जो स्टूडेंट है वो कोचिंग के लिए दूसरे दूसरे जिलों पे जाते हैं, कोई सपना जा रहा है, कोई इलाहाबाद जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो मेरा यही मानना है कि जो बच्चे जो स्टूडेंट हो चाहे किसान का बच्चा हो या हाई लेवल का बच्चा हो या मिडिल क्लास का हो, जो बाहर कोचिंग के लिए जाता है वो उसको हमारे जिले में ही वो उपलब्ध हो, बाहर जाने की उसको आवश्यकताएं ना पड़े। आप व्यापार मंडल से हैं और व्यापार मंडल में हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो ये वर्तमान राज्य में जाति धर्म मजहब को लेकर नहीं चल रही है, क्या ये सही है? देखिए अगर योगी सरकार में जात धर्म और मजहब की राजनीति होती तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, आप भी इससे जानकार हैं प्रेम जी, कि
जो अभी आपने सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि लोगों के पास छत नहीं थी, लोग अपनी छत बनाने के लिए अपनी कमाई व्यर्थ करता था, यार मेरी छत कैसे बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, सबसे पहले जो है लोगों को छत देने का काम किया और जात से ऊपर काम किया। जितने आवास हिंदुओं को नहीं मिले होंगे उससे ज्यादा आवास मुसलमानों को मिले हैं या अन्य किसी जाति समीकरण को मिले हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जाति जात या अगर राजनीति होती तो ये आवास जो है हिंदुओं को मिलता, जाति मुसलमानों को मिले। दूसरी बात, जितना काम वो हिंदुओं के लिए कर रही है उतना काम वो सारे वर्गों के लिए वो कर रही है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। तो ऐसा नहीं है, सबका साथ सबका विकास तो योगी सरकार और मोदी सरकार में लागू है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आईपा मंच में आने के लिए आपका। धन्यवाद सुरेन जी। अभी हमारे साथ व्यापार मंडल से नगर अध्यक्ष शरीर राज जी, इन्होंने बताया कि चित्रकूट जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर भारी समस्याओं का आलम लगातार बना हुआ है, लेकिन कोई भी सरकारें आती है उन चीजों में ध्यान नहीं देती। कारण इसका सबसे बड़ा कि अगर शिक्षा पर ध्यान देगी सरकारें तो सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, और शिक्षित हो जाएंगे तो जातिवाद, धर्म, जाति के मजाक की राजनीति होती है उससे परे हो जाएंगे। इसको लेकर के समाज में समस्याएं बनी हुई है। हालांकि रोजगार की हम बात करते हैं तो रोजगार के साधन तो यहाँ बहुत है, हालांकि यहाँ माइनिंग है, यहाँ पर जो है बालू है, तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे तमाम यहाँ पर बनाया जा सकता है, फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है, उद्योग लगाए जा सकते हैं, आयुर्वेदिक फैक्ट्रियां लगाई जा सकती है, यहाँ जंगल एरिया है, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं देती हैं, जिससे कारण युवा जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहा है वो पलायन करने को मजबूर है। अगर ऐसी व्यवस्थाएं सरकार कराती है कि यहाँ पर उद्योग लगाया जाए, स्वास्थ्य में देखा जाए, यहाँ पर जिला अस्पताल तो है लेकिन मेडिकल कॉलेज, ट्रामा सेंटर आदि चीजें नहीं है, इससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आईपा मंच के लिए सुरेंद्र सिंह कछवाहा, चित्रकूट।